नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन के मीडिया ने अब दावा किया है कि उसने पानी के अंदर विस्फोट कर किसी भी बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीनी मीडिया का दावा सही है? क्या है चीन का जल बम तबाही मचा सकता है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया पर राज करने की हसरत लिए शी जिनपिंग तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना को ताकतवर बनाने की आड़ में जंग का उन्माद फैला रहे हैं। कोरोना की वजह से आर्थिक मोर्चे पर हुई किरकिरी के बाद शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए धमाके कर रहे हैं। और इस बार चीन की लाल सेना ने पानी के अंदर ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि उसकी फौज ने सिर्फ 16 सेकंड में पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके किसी भी बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित कर ली है। हालांकि चीन ने यह विस्फोट कहां किया, किस बंदरगाह को उड़ाया, इसकी जानकारी खुफिया रखी गई। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा जरूर किया है कि पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पीपल्स लिबरेशन आर्मी गुपचुप तरीके से किसी भी हमले को अंजाम दे सकती है। युद्ध की स्थिति में इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जा सकता है। इसके जरिए अमेरिका सहित किसी भी देश के युद्धपोत और जंगी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई नई नहीं है, लेकिन यस, उसका सक्सेसफुल टेस्ट करना आज हम क्रेडिट दे सकते हैं चीन को। मुझे लगता है ये टेस्ट बेसिकली उसने यूरोपियन कंट्रीज़ को दिखाने के लिए किया है, यूनाइटेड स्टेट्स को बताने के लिए किया है कि हमारे पास काबिलियत है कि हम कहीं भी दुनिया में उनके किसी भी बेस को नष्ट कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। बेसिकली ये एक वॉर टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की रेस है। दरअसल पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित करने के पीछे चीन का मकसद है प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को बदलना। तो चीन ने ये भी दावा किया है कि अमेरिका अपनी सेना को एक जगह इकट्ठा ना करके उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर रहा है। अमेरिका चीन के हमलों से बचने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि चीन इस तरह के घातक हथियार बना रहा है ताकि अमेरिकी सेना कहीं भी छिपी हो उस पर आसानी से हमला किया जा सके। पिछले हफ्ते चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे लेकर अमेरिका ने कहा कि ये दूसरे स्पेसक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा चीन ने दो ऑर्बिटल हथियारों का टेस्ट भी किया जिसके बारे में रक्षा जानकारों ने कहा कि ये हाइपरसोनिक परमाणु हथियार थे। आशंका जताई जा रही है कि ये सब कुछ चीन दक्षिण चीन सागर में जारी विवाद के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है। जिस तरीके के वो हथकंडे अपना रहा है साउथ चाइना सी में, प्रशांत महासागर में, वो बिल्कुल क्लियर है कि वो ट्रेड रिलेटेड है, कि वो ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, जिससे कि दुनिया की इकॉनमी उसके हाथ में रहे, दुनिया के देश अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में रहे। सबको पता है कि चीन अपने किसी भी परीक्षण को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, वो माइंड गेम खेलता है और प्रोपेगेंडा के तहत दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी सच है कि चीन और अमेरिका की अदावत पुरानी है। चीन अमेरिका को फूटी आंख नहीं देखना चाहता, वो अमेरिका को सुपर पावर भी नहीं मानता, लिहाजा वो एक के बाद एक ऐसे घातक हथियार तैयार कर रहा है जिससे जंग की स्थिति में अमेरिका को जख्मी किया जा सके।
तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इसके साथ ही आपको दिखाते हैं। और इस बीच, लेकिन उससे पहले, एक तरफ जल बम तो दूसरी तरफ भारत का डर। जी हां, ड्रैगन हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से परेशान हो गया है, लिहाजा अब उसने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सैन्य मूवमेंट को भारत की नजरों से बचाने का प्लान तैयार किया। और इस प्लान के तहत चीन की फौज गुप्त तरीके से सफर तय करेगी और रास्ते में ही सैन्य साजो सामान इकट्ठा करती जाएगी। सेना का इस वक्त सारा फोकस वेस्टर्न थिएटर कमांड पर है। एलएसी पर बुरी नजर रखने वाले वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत करने पर है, लेकिन सर्दी चीन के इस सबसे अहम कमांड को कमजोर करती है। पहाड़ पर वेस्टर्न थिएटर कमांड की मूवमेंट थम जाती है। यही नहीं, इस कमांड की हर हलचल का पता भारतीय सेना को चल जाता है, लिहाजा अब चीन ने एक नया दांव चला है। चीन ने भारत से लगती वेस्टर्न थिएटर कमांड में अपने सेना के मूवमेंट की रणनीति को बदल दिया है। अब पीपल लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य काफिलों के मूवमेंट के दौरान मोबाइल सर्विस स्टेशन या कहें मोबाइल ट्रांजिट कैंप साथ लेकर चल रही है, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं किसी हादसे या तकनीकी खराबी के चलते उसकी सेना की मूवमेंट बाधित ना हो जाए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के गोलमुड काउंटी से एलएससी तक की हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अब चीन नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पीएलए की ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट में अब मोबाइल ट्रांजिट कैंप को शामिल किया गया है। अब मोबाइल ट्रांजिट कैंप का इस्तेमाल कर चीन की सेना लंबी दूरी तय कर रही है। इससे तिब्बत के पठार में एलएसी तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले सेना के काफिले को अब रास्ते में कहीं भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकेगा। चूंकि लद्दाख में पिछले 18 महीने से चीन सेना की मूवमेंट बढ़ी है, लगातार भारी भरकम हथियारों के साथ अभ्यास के लिए एलएसी से सटे इलाकों में सैनिकों की तैनाती में इजाफा हो रहा है। इन सब को ढोकर ला रहे भारी वाहनों के ड्राइवरों की हालत खस्ता हो रही थी, लिहाजा अब चीन ने मोबाइल ट्रांजिट कैंप के जरिए ऐसी व्यवस्था की है कि थका देने वाले सफर में ड्राइवरों और सैनिकों को रास्ते में आसानी से खाना, रहना और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ये जो मोबाइल ट्रांजिट कैंप है, इससे लंबी दूरी जो है कम समय में की जा सकती है, क्योंकि जो ड्राइवर्स की रिलीफ है वो वही है और तुरंत चलती गाड़ियों में थोड़ी देर रुक करके गाड़ी रिलीफ चेंज हुई और वो जो ड्राइवर है वो मोबाइल ट्रांजिट कैंप में ट्रांसफर हो गए। उन्होंने वहाँ खाया, पानी पिया, सो गए और जो कॉन्वॉय है वो चलता रहा। दूसरी बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। कई दिनों तक के मिशन पर निकले चीन सेना के ड्राइवरों और सैनिकों को घंटों सफर करना पड़ता है, वो भी ऊंचाई वाले इलाकों में, लिहाजा समय पर और सही सलामत सेना का काफिला चलता रहे, इसके लिए चीन ने मोबाइल ट्रांजिट कैंप बनाए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के सर्वेलेंस की नजर में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के सभी गैरसेन और ट्रांजिट कैंप हैं। वहां होने वाली हर गतिविधि, ट्रूप मूवमेंट और भारी सैन्य साजो सामान से लदे ट्रकों को आसानी से मॉनिटर भी किया जाता है, लिहाजा मोबाइल ट्रांजिट कैंप की सुविधा के जरिए चीन के भारी वाहन स्थायी सर्विस स्टेशन तक ना पहुंचकर पहले ही कहीं रुक सकते हैं, जिससे चीनी सेना की मूवमेंट का पता लगाना आसान नहीं होगा। इसका जो मूवमेंट है वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिट कैंप के बने हुए हैं तो आपको मालूम है कि कॉन्वॉय जो है इसी ट्रांजिट कैंप से गुजरती हुई आगे निकलेगी, लेकिन मोबाइल ट्रांजिट कैंप से इनका मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को इनकी जरूरत नहीं होगी और लंबी दूरी जो है वो कम समय में अब ये तय कर सकते हैं। जाहिर है,
ड्रैगन भारत की नजर से बचने और गुपचुप तरीके से अपने नापाक मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। चीन अपनी सेना की मूवमेंट को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत से छिपकर किसी भी साजिश को अंजाम देना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक हिंदुस्तान के पास भी है। और अब बात उत्तर कोरिया की, जिस पर 90 के दशक की ही तरह भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट गहरा गया है, लोगों को एक एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने 2025 तक लोगों को कम भोजन करने का हुक्म दिया है। घातक मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को दहलाने वाला उत्तर कोरिया, परमाणु बम की गीदड़ भभकी से दुनिया को ब्लैकमेल करने वाला उत्तर कोरिया, अमेरिका से अदावत में बार बार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला उत्तर कोरिया आज सिसक रहा है। उत्तर कोरिया की आवाम भूख से बिलख रही है, एक एक रोटी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। खाद्यान्न संकट से पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना वजन भी घटा लिया है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। उत्तर कोरिया के लोग पेट दबाकर सोने को मजबूर। 70 वर्कर पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक हुई। किम जोंग उन ने मुश्किल मार्च नाम से मिशन की शुरुआत की। 90 के दशक की तरह लाखों लोगों की भूख से मौत ना हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं। जिसके बाद किम जोंग उन ने अपनी जनता को 2025 तक कम भोजन करने का हुक्म दे दिया। खुद किम जोंग उन ने अपना वजन 20 किलो तक घटा दिया। किम जोंग उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक ये संदेश जाए कि उनकी भूख से वो भी बेचैन, वो भी कम खाना खा रहे हैं। लेकिन इससे उत्तर कोरिया की जनता की मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि इस बार आफत कहीं ज्यादा बड़ी है। लोग तानाशाही तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भूख कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट कैसे गहरा है। दरअसल इसकी कई वजह है। पहली वजह है भारी बारिश और बाढ़, जिसकी वजह से लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। दूसरी वजह है पिछले साल आए चक्रवाती तूफान, जिन्होंने खेती किसानी पर तगड़ा प्रहार किया। तीसरी वजह है कोरोना महामारी, जिसकी वजह से आपूर्ति बाधित हो गई। चौथी वजह है आर्थिक प्रतिबंध, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया बाकी दुनिया से कट गया और उसे कोई मदद नहीं मिली। और पांचवी वजह है चीन पर निर्भरता। चीन से उत्तर कोरिया का व्यापार रुका हुआ है और 4 बाद इसके शुरू होने के आसार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने नागरिकों से कहा है कि 2025 तक वो कम खाएं, क्योंकि महामारी के कारण उसने अपनी बॉर्डर्स को सील कर रखा है और चीन से कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। और जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स और न्यूक्लियर के टेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर जबरदस्त सैंक्शन लगे हैं, और अब नॉर्थ कोरिया को महामारी के बाद और सैंक्शंस के बाद जबरदस्त फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। किम जोंग उन ने अधिकारियों से कहा है कि वो कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीके खोजें। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न संकट अब गंभीर होता जा रहा है। उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट गहराने के बीच देश ने आपात सैन्य भंडार से आम नागरिकों को चावल की आपूर्ति की है, लेकिन जानकारों ने उत्तर कोरिया में अगली फसल होने तक संकट और गहराने का अंदेशा जताया है। संयुक्त राष्ट्र भी उत्तर कोरिया में बढ़ते खाद्यान्न संकट को देखते हुए भुखमरी का खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर कर चुका है। लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। किम की सेना और उसके अधिकारी भले ही भरपेट भोजन करें, लेकिन गरीब लोगों का पेट आगे भी खाली रहेगा। न जाने कितने लोग भूख से मारे जाएंगे।